हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं, नाम क्या है? बिल्कुल, नाम है हमारा हाउस एक्सप्लोरर्स। हम क्या करते हैं, आपकी रिसर्च करते हैं इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ ताकि आपकी परचेजिंग इजी हो जाए। ये तो हमारा टैगलाइन हो ही गया है। तो दोस्तों, हम वैसे इस बिल्डिंग में आपको पहले भी 2 यूनिट्स चेकआउट करा चुके हैं, ये थर्ड यूनिट होने वाली है। 2 हम जो चेक कराए थे, एक 3 BHK बैक साइड का था, एक 2 BHK बैक साइड का था, ये 3 BHK फ्रंट साइड का होने वाला है। अगर आप चेक चाह रहे हैं एक 3 BHK लेना और बजट है आपका करीब करीब 1 करोड़ रुपये, बिल्कुल 1 करोड़ में आपको ये 3 BHK लैविश प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की, तो ये लोकेटेड होने वाला है शक्तिखंड इंद्रापुरम में। बात करें इसके साइज़ की, तो कहीं ना कहीं इसका साइज़ 1400 स्क्वायर फीट नियर अबाउट आ जाता है। इसमें आपको 3 बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स देखने को मिलेंगे। वेस्ट फेसिंग बालकनी के साथ में आने वाला है। डिफरेंट यूनिट्स भी इसमें अवेलेबल हैं। देखिए, अगर हो सकता है ये वीडियो आपको, अभी हम इसको कब अपलोड करते हैं, हो सकता है 2 या 3 दिन में वीडियो चली जाएगी, हो सकता है आप उसके 1 या 2 हफ्ते बाद में वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं। तो बिल्कुल, हमने अपने वीडियो में कोड लगा रखा है, जब आप हमें कॉल करते हैं तो आप हमें वो कोड बता सकते हैं ताकि हम जान पाएँ कि आप कौन से पर्टिकुलर इन्वेंट्री की आप क्वेरी लेना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा, हमारी सेल्स टीम के लिए भी आसान हो जाएगा आपको विज़िट कराने में और आप वो ये डील दिलाने में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिलेस चेक कर लेते हैं। इसमें लिफ्ट और पार्किंग देखने को मिलता है। चलिए आपको लिफ्ट सेक्शन चेकआउट करा देता हूँ। ये हो जाता है डेडिकेटेड लिफ्ट सेक्शन, देख सकते हैं। ऑपरेशनल लिफ्ट आपको देखने को मिल जाता है, वर्किंग कंडीशन में है। ये हो जाता है दोस्तों आपका लॉबी एरिया। यहाँ देखिए स्टेयर्स आ रहे हैं, वाइड स्टेयर्स देखने को मिलेंगे। और देखिए आपके स्टेयर्स यहाँ पर भी, इस एरिया में भी प्रॉपर आपको सनलाइट मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि अंधेरा नहीं है। चलिए अंदर बढ़ते हैं और चेकआउट करना शुरू करते हैं। बात करें हम इस एंट्री डोर से, 10 फीट करीब इसकी हाइट आ जाती है। डोर को बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है, ब्राउन वाइट और ये गोल्ड का जो वर्क है ना, काफ़ी एलिगेंट लगता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों डोर हैंडल की, तो ये देख सकते हैं, और इसमें लॉक फिटिंग्स ही सब आपके मेटेलिक टोन में रहने वाला है। और इसकी चौखट काफ़ी अच्छी लगती है, चौखट जो है पूरी कंटिन्यू होती है। यहाँ पर आपको देखिए व्यूइंग विंडो दिया गया है, आपका जो है ट्रेडिशनल वॉल के बदले यहाँ पर आपको ग्लास वॉल दिया गया है, तो ये अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है। पूरी चौखट को कंटिन्यू किया गया है, एलिगेंट लगता है। ये टफन ग्लास होने वाला है दोस्तों। हमने जो साइजेस हैं सब नीचे मेंशन कर रखे हैं ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो। ये सब टेंटेटिव साइज होने वाले हैं। जब आप यहाँ आते हैं, हमारी जो सेल्स टीम है वो बिल्कुल आपको इसके एग्जैक्ट साइजेस जो हैं उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। ये टेंटेटिव साइज होने वाला है, मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है। बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता है हमारा, देखिए डीप लिविंग रूम। अगर मैं नीचे की बात करता हूँ फ्लोरिंग की, तो इसमें देखेंगे तो आप डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स है, इटालियन टाइल्स हैं, ये इटालियन मार्बल फील में आते हैं, एलिगेंट लगते हैं। साइज़ अच्छा मिलेगा इसमें आपका, आपका आराम से यहाँ पर आप अपना सोफ़ा सेट प्लेस करें। सामने की तरफ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, टीवी वॉल। इसको भी चेकआउट कराते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें ऊपर की, तो ये देखिए फॉल सीलिंग का बेहतरीन काम देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरी स्ट्रिप लाइटिंग अंदर की तरफ आती है ना, तो देखिए येलो सा आपको देखिए ग्लो दिख रहा होगा, अच्छा दिखता है। पूरी आपकी प्रॉपर इसमें LEDs तो लगी हुई है वाइट कलर में। बीचों बीच शैंडेलियर आता है, और लेफ्ट और राइट साइड में दोस्तों देख सकते हैं प्रीमियम वाइट कलर फैंस देखने को मिलते हैं आपको। और ये क्या है, ये हो जाता है बैक ऑफ द सोफा वाला वॉल, मेन वॉल इसे कहेंगे, हाईलाइटेड किया गया है इसे, ये वॉलपेपर लगाया गया है। एलिगेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिल्कुल कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये दोस्तों। अगर हम यहाँ से अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पर हमें ये टीवी हमें वॉल बना के दिया गया है, एलिगेंट लग रहा है, वाइट और ब्राउन में ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमें देख सकते हैं ग्लास मेड, हमें यहाँ थोड़ा सा सेक्शन अलग सा दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। सब HDMR क्वालिटी वुड है, जितना भी पूरे घर में वुड यूज़ किया गया है HDMR क्वालिटी होने वाला है। स्प्लिट AC के लिए यहाँ प्रोविजन देखने को मिल जाता है, नीचे प्रॉपर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, चेक कर लेते हैं, ये देखें अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, हम फिर से इसी तरफ आते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें जो 2 बेडरूम्स हैं आपको फ्रंट फेसिंग में देखने को मिल जाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो अभी हम जो जिस उस फ्लोर पे हैं, ये आपकी फर्स्ट फ्लोर होने वाला है। इसके ऊपर वाले फ्लोर्स में भी अवेलेबिलिटी अभी ओपन है, इससे पहले कि सोल्ड हो जाए नंबर पर आप ज़रूर कॉल कर लें। तो चलिए पहले हम येला बेडरूम देखते हैं। पूरा घर ही फुल्ली वेंटिलेटेड रहने वाला है,
चलिए आपको दिखाते हैं। आइए, ये हो जाता है अपना पहला बेडरूम। पहला बेडरूम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये वॉलपेपर बॉक्स देखने को मिलेगा। टाइल्स वही सेम देखने को मिलती हैं जो हमें लिविंग रूम में देखने को मिल रही थी। ये हमारा विंडो आ जाता है वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर आपको यहाँ से मिलते रहेगा एयर। देख सकते हैं अच्छा साइज आएगा, साइज सब मेंशन है, चेकआउट ज़रूर करें। यहाँ से अगर हम दोस्तों देखें, ये जो डोर आता है हमारा, यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने अटैच वॉशरूम से, जिसको आप लिविंग रूम से भी एक्सेस कर सकते हो। चले लिविंग रूम से ही इस वॉशरूम को दिखाते हैं। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे पहले वही अंदर बढ़ जाएं ताकि चीज़ें दिखती रहें। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा कॉमन कम अटैच वॉशरूम। साइज इसका अच्छा मिलने वाला है आपको। अगर मैं टाइल्स की बात करता हूँ तो ये आपका लाइट ग्रे स्टोन में है, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो आपका डार्कर टोन में आ रहा हो क्योंकि लाइट इसमें एक ही चल रही है, दूसरी हमने ऑन ही नहीं करी। तो अगर आप ये देखेंगे ना दोस्तों, तो इसमें अच्छे टाइल्स लगाए गए हैं, नीचे भी फ्लोरिंग इसकी अच्छी लगती है। अगर मैं फिटिंग्स की बात करूँ तो आपको वर्मोरा के सैनिटरी फिटिंग्स आएंगे। बाथ फिटिंग्स की बात करते हैं तो भाई जैक्वार आने वाले हैं, अच्छा साइज़ आ रहा है, वो भी मेंशन किया है हमने इस वॉशरूम का साइज़। यहाँ मिरर लगना बाकी है, लगेगा तो अच्छा दिखेगा। वॉशरूम से दोस्तों यहाँ निकलते ही दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर इन्होंने अच्छा सेक्शन बना के दिया गया है। कुछ भी शो पीसेज हैं तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, और जो लाइट आती है ना तो डायरेक्ट उस पर जो रिफ्लेक्शन आती है तो काफ़ी एलिगेंट लगता है, अच्छा दिखेगा यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ें प्लेस करते हैं तो। सजाने का शौक़ है तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा लगेगा। आपको यहाँ बात करें दोस्तों तो देखिए, ये आपको दिया गया है क्रॉकरी सेक्शन, या फिर आप इसे बार सेक्शन कह सकते हैं। पूरा ग्लास मेड होने वाला है, ये भी टिफिन ग्लास आने वाला है, एल्यूमिनियम वर्क है। अगर आप ये देखेंगे ना तो ये भी आपका हार्ड ग्लास होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर अपनी चीज़ें प्लेस करें, काफ़ी अच्छा दिखेगा। नीचे भी देखेंगे तो पीओ फिनिश के साथ में आपको ये देखने को मिलता है। ये भी सब वुड जो है एसडीएमआर वुड होने वाला है, सेक्शंस दिए गए हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ अच्छे से प्लेस कर पाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट बेडरूम चेकआउट कर लिया हमने, लिविंग चेकआउट कर लिया है, कनेक्टेड वॉशरूम चेकआउट करा है, ये तो हमने आपको दिखाई दिया है। चलिए ये रह जाता है ये है आपका किचन। किचन भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होने वाला है, फुल्ली वेंटिलेटेड रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ विंडो दिया गया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, इसी में आपको चिमनी देखने को मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो एल शेप में आ रहा है स्लैब, वाइट कलर का स्लैब है। अगर बात करें तो दोस्तों वाइट और ये आपका ग्रे स्टोन में किचन को क्रिएट किया गया है, प्लस ये जो येलो का जो आ जाता है ना थोड़ा वॉक, ये इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा निखारता है। देखें सब हाइड्रोलिक के साथ में आने वाला है ये आपका। और अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए वाइट कलर में अच्छे लगते हैं जो सारे सेक्शंस है ना, देखिए पूरा ऊपर तक आपको हाइट दी गई है, तो आपकी स्टोरेज अच्छी हो जाएगी। कुछ भी सामान अगर आप यहाँ रखते हैं तो आप आराम से स्टोर कर पाएंगे। रनिंग स्ट्रिप लाइट आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं ये देखिए पूरा रनिंग स्ट्रिप लाइट आती है। अगर आप मैं आपको बताऊं दोस्तों तो ये आपका देखिए मॉड्यूलर किचन होने वाला है, सब सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आएगा, और जितना भी इसमें ये वुड यूज्ड है ना सब एसडीएमआर क्वालिटी होने वाला है। चलिए आपको चेकआउट कराते हैं, देखिए डिफरेंट सेक्शन आपको दिखाता हूँ मैं। देखें इसको कहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें इधर से बनाया हुआ है, ये देखें पूरा यूजेबल एरिया रहने वाला है, ये देख सकते हैं आप। और नीचे दोस्तों जितना भी ये सब चीज़ है ना, सब देखेंगे ना आप, सब स्टोन है। यहाँ पर जो उसके ये पिलर टाइप बनाए गए हैं ना, सब आपका स्टोन वर्क होने वाला है। तो क्या है आपका, देखिए वैसे भी एसडीएमआर क्वालिटी वुड है तो ख़राब तो होगा नहीं, लेकिन स्टोन लगाया है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाती है। सब हाइड्रोलिक के साथ में आने वाला है ये सब, ये देख सकते हैं। और यहाँ तक भी आपको स्टोरेज के लिए दिया गया है, तो स्टोरेज अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चिमनी तो दिखाई दी हमने आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपका डेडिकेटेड पेंट्री सेक्शन, ये देख सकते हैं। आपके सॉस की बॉटल्स हैं, पल्सेस हैं, अगर आपके कुछ भी हैं पैक फूड हैं, अगर आपको स्टोर करना है अच्छे से रखना है आपको, तो ये सब सेक्शंस हैं यहाँ पर आप स्टोर करें, अच्छा भी लगता है और आराम से आप चीज़ों को यूज़ भी कर पाएंगे। ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए दिया गया है। यहाँ पे हमें जितने भी अगर फिटिंग्स की बात करें दोस्तों, सब बाय जैक्वार आने वाला है, तो सब चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों चलें अब हम चेक कर लेते हैं ये वाला बेडरूम, जो कि हमारा सेकंड बेडरूम हो जाता है। सेकंड और थर्ड बेडरूम से दोस्तों आप जो बालकनी है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। साइज़ तो सब मेंशन है। अगर मैं बात करूँ, देखिए ये मेन वॉल होने वाली है बैक ऑफ द बेड, इसमें वॉलपेपर का अच्छा काम किया गया है, एलिगेंट लगता है ये, साइज़ अच्छा आएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। हॉल सेलिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा देखिए इम्प्रेसिव है, एलिगेंट लग रही है कि नहीं लग रही है। फैन देखेंगे तो वाइट कलर टोन में है,
अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में ब्रिजालिट का ही फैन आ रहा है इसमें, अच्छा दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए ये आपका वार्डरोब आ जाता है स्लाइडिंग डोर के साथ में। चलिए इसे भी चेकआउट कर लेते हैं हम, आइए देखें। आपका सारा एचडीएमआर क्वालिटी में बना हुआ है, डीप वार्डरोब रहने वाला है आपका। सूट ब्लेजर्स आराम से आप प्लेस कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें रहेगी नहीं। देख सकते हैं जो इसमें भी जो पूरा वर्क है ना, काफ़ी एलिगेंट लगता है। वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन अच्छा दिखता है दोस्तों। और क्या रह जाता है इसमें, रह जाता है देखिए ये हो जाता है आपका अटैच वॉशरूम। जो हमने पहला वॉशरूम चेकआउट किया था दोस्तों, वो आपका ग्रे स्टोन में रखे गए थे, उसके टाइल्स के कलर। ये आपके क्रीमिश ब्राउन स्टोन में है, अच्छा लग रहा है। नीचे के फ्लोरिंग भी इसके देखेंगे तो आपके ब्राउनिश ऑरेंजेस फील देते हैं। फिटिंग्स वही हैं सब, जैकवार की फिटिंग्स आने वाली है, वर्मोरा की फिटिंग्स आने वाली हैं। आपका अच्छा साइज आ रहा है, ये शावर एरिया हो जाता है, वॉश बेसिन आ गया, कमोड सेक्शन राइट साइड में देखने को मिलेगा जी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ, देखें ये जितने भी फिटिंग्स हैं आपको ऑल ओवर दी हाउस, आपको जो चीज़ें हैं ना, डोर हैंडल्स हैं सेम आपके टोन में देखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है आपका फ्रंट फेसिंग बालकनी, उसको भी चेकआउट करते हैं। पहले इसका हम थर्ड बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं, आइए दोस्तों। तो चलते चलते कुछ और बातें देखें। अगर आप कनेक्टिविटी के पर्पज़ से बात करें तो ये वेल कनेक्टेड रहने वाला है आपका। वैशाली मेट्रो से दूरी कहीं ना कहीं 2.5 किलोमीटर की हो जाती है। आनंद विहार 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसकी दूरी कहीं ना कहीं रह जाती है यहाँ से 1 किलोमीटर की। सब वेल कनेक्टेड रहने वाला है। स्कूल्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो स्कूल सब नियर अबाउट एरिया में होने वाले हैं। अगर पार्क ढूंढ रहे हैं तो पार्क नियर अबाउट एरिया में मिलने वाले हैं। सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों ये चेक करते हैं थर्ड बेडरूम। साइज इसका भी आपको अच्छा मिलेगा। ये देखिए वॉल बड़े अच्छे से क्राफ्ट किया गया है यार, वॉलपेपर अच्छे लगाए उन्होंने। जो वॉलपेपर चूज़ किए ना, जितने भी बेडरूम्स में अच्छे वॉलपेपर चूज़ किए हैं, एलिगेंट लग रहा है ये। इसकी खासियत क्या दोस्तों, इसमें जो आपको वार्डरोब है देखिए वॉल माउंटेड रहने वाला है, तो बाहर कोई आपकी जगह लेगा नहीं। ये देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पर ये वॉल के अंदर रहने वाला है, तो ये स्टोरेज इसमें अच्छी हो जाएगी और ऊपर तक हाइट दी गई है तो और इसकी USP हो जाती है। इसमें जो वॉक है ना, काफ़ी एलिगेंट लगता है। और इसकी फॉल सीलिंग की बात करूँ दोस्तों, तो फॉल सीलिंग भी देखिए ऐसी कमाल लगती है, अच्छी दिखती है। चले दोस्तों बाहर चलते हैं और हम बालकनी हम चेकआउट कर लेते हैं, आइए दोस्तों। ये हो जाता है इसका बालकनी एरिया। बालकनी का आप साइज चेकआउट कर सकते हो, इतना साइज है कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर आप 8 चेयर से ज़्यादा भी प्लेस करते हैं ना, आराम से कोई दिक्कत होगी नहीं। ग्लास के साथ में ये रेलिंग देखने को मिल जाएगा, सामने आपको डबल साइड रोड फेसिंग मिलने वाला है, ओपन टू स्काई बालकनी रहेगा आपका। इसके ऊपर की यूनिट्स भी दोस्तों अवेलेबल है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमने जैसे आपको बताया, अभी हम इसके अपर ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं एक्चुअली, देखा जाए तो टेक्निकली फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ से हो जाता है थोड़ा बाहर का व्यू। ऊपर के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करें, उन्हें मिस आउट ना करें आप। प्राइसिंग इसकी जैसे कि हमने बात की, कहीं ना कहीं 1 करोड़ के रेंज में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर हमने डिस्प्ले कर दिया है इसके करंट प्राइस के लिए। प्राइस लेने के लिए नंबर पर कॉल ज़रूर करें ताकि हमारी जो सेल्स टीम है आपसे कोऑर्डिनेट कर पाए और आपको ये प्रॉपर्टी दिखा पाए। हमने इस पर अपना प्रॉपर्टी कोड लगाया हुआ है, जब भी आप कॉल करें बिल्कुल हमें प्रॉपर्टी कोड बताएं ताकि हम फिल्टर कर पाएँ कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हैं, ताकि आपको असिस्ट करने में हमें आसानी होगी। चले दोस्तों ये था हमारा फ्लैट जो हम आपके लिए लेके आए, जो बजट सेगमेंट में आ जाता है लिफ्ट पार्किंग के साथ में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर दें ताकि इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।